चलिए अपनी चर्चा को राइट अवे हम स्टार्ट करते हैं और ये स्क्रीन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है। अभी बाजार को खुलने में थोड़ा सा समय है, लेकिन जो ओपनिंग हुई है ये अभी प्री ओपनिंग का नंबर आपको दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो प्री ओपनिंग का लेवल है 43894, ये प्री ओपन है। और निफ्टी के अंदर जो प्री ओपन का लेवल दिखाई दे रहा है ये 18849 है, 18849 ये प्री ओपनिंग के लेवल्स आप लोगों के सामने। देखते हैं सिचुएशन कैसी इमर्ज होती है। कल यूएस मार्केट के अंदर कमज़ोरी रही है और कल भारतीय रुपया भी काफ़ी कमज़ोर रहा है। देखते हैं सभी बातों का क्या असर पड़ता है भारतीय बाज़ारों के ऊपर। तो अभी आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। कुछ लेवल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा। ये 5 मिनट कैंडल चार्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। जो चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 5 मिनट कैंडल चार्ट है, और अब जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इंडेक्स का चार्ट है। अभी कुछ देर पहले मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लगाया था, अब इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए मैं यहाँ पर जो लेवल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो लगभग 18,800 का लेवल आप मान सकते हैं, और उसके नीचे 18777 का लेवल। अभी ये टेंटेटिव लेवल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक क्रिटिकल लेवल तोड़ा है, 43819 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। और बैंक निफ्टी के अंदर अब जो दूसरा लेवल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो काफ़ी नीचे है, ये लेवल भी टूटते हुए दिखाई दिए हैं, 43750 और उसके नीचे 43719 का लेवल जिसको कल भी हम लोगों ने देखा था, और उसके नीचे 43650 का लेवल मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। देखिए बाज़ार के अंदर अभी शुरुआत में कुछ स्थिति रिवर्स होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर 43900 की बात करी थी और 43900 के थोड़ा ऊपर भी लेवल्स को मैं लिखना चाहूँगा। ये एक सप्लाई जोन के तौर पर मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये जो पूरा जोन है मुझे लग रहा है कि ये तेज़ी थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती है, तो मुझे चार्ट को थोड़ा सा और नीचे घसीटना पड़ेगा। तो उससे आप चिंतित मत होइएगा, मैंने चार्ट को थोड़ा सा नीचे ड्रैग किया है और इन लेवल्स को मैं दोबारा लिखना चाहूँगा, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चार्ट के लेवल्स को मुझे दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जिस जोन के बारे में बात करी है वो जोन मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, 43965 और 43900। ये एक जोन है जो कि सप्लाई जोन के तौर पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति इमर्ज होती है। अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच होता है तो फिर 44000 का लेवल पिक्चर में आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। निफ्टी के अंदर जो सप्लाई जोन है वो भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा आप लोगों के सामने, जिससे एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिली थी। निफ्टी के अंदर मैं वो सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं उस कैंडल को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिस कैंडल से लगातार हमको करेक्शन दिखाई दिया था। तो जो लोग सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे निकाला जाता है, निफ्टी के अंदर इस कैंडल से गिरावट हुई थी तो इसी कैंडल का हाई और लो मैं सप्लाई जोन के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये लेवल है 18875 से 18875 से 18863, ये एक जोन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है मैंने। यहाँ पर दो लेवल नीचे की तरफ मैं लिखना चाहूँगा, एक 18800 का लेवल और उसके बाद यहाँ पर 18777 का लेवल। 18800 का लेवल 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है पता नहीं क्या बन रहा होगा किचन में पता नहीं खाने में आज क्या मिलेगा कहीं लौकी की सब्जी ना मिल जाए, मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। अभी किसी ने लिख दिया मालती को देखो,
तो मैं चक्कर में आ गया, मैंने कहा मालती को देखो, मैं समझ ही नहीं पा रहा मालती को देखो क्या। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये लिखा जा रहा है मल्टी ओआई देखो, अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था, ये लिखा था मालती को देखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मालती क्या। फिर बड़ा दिमाग लगाया मैंने, बहुत दिमाग लगाया। मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया, मैंने कहा मालती को देखो ये क्या चक्कर है, मालती को देखो। अभी सप्लाई जोन देखो, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रूल तो यही है, रूल तो मैं आपको फिर से बता दूँ, रूल तो यही है, हम कोई भी लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी लेवल, अगर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग है, उस लेवल के ऊपर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे और हाई का ब्रेकआउट देखना चाहेंगे हम, तो ये हमारा ट्रेड बनेगा। बातचीत करें अगर हम लेवल के नीचे, तो हम लेवल के नीचे क्लोजिंग होते हुए देखना चाहेंगे और यहाँ पर लो के ब्रेकडाउन को प्ले करेंगे, ये रूल है। देखिए यहाँ पर इस बात को भी ऑब्जर्व करिए, ये कितनी नैरो रेंज है, क्यों कितने पॉइंट की रेंज है, ये मात्र 12 पॉइंट की रेंज है, 18875 से 18863। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी रेंज दे दी है, 150 पॉइंट की रेंज दे दी है, ये मात्र 12 पॉइंट की रेंज है जिसके आसपास ही निफ्टी अभी हमको स्टक दिखाई दे रहा है। तो बहुत छोटी सी रेंज मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करी है, बहुत छोटी सी रेंज। चलिए ज़रा मल्टी ओआई चार्ट को भी देखते हैं, जनता की बहुत डिमांड है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या सिचुएशन है, बस इस बीच में कोई प्राइस के अंदर बड़ा मूवमेंट ना हो जाए। धन ऑप्शन ट्रेडर के माध्यम से ये स्टडी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पहले आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पर डेटा अपडेट हो रहा है, 22 जून की एक्सपायरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी अभी 8871 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो हम 18850 से अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। कॉल साइड के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है ये 88.88 है अगर हम यहाँ पर वॉच करें तो, और पुट साइड के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है ये 78.46 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी 18850 के आसपास हम स्ट्रगल को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर आ जाएं, 18900 की बात करें तो यहाँ पर कॉल साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट 135 है, पुट साइड के ऊपर 54.52 है। तो इसके ऊपर 18900 जो है ये अपने आप में अभी फ़िलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस 18900 के ऊपर, ऐसा हम बोल सकते हैं। नीचे की बात करें, 18800 की बात करें तो कॉल साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट 81.42 है, पुट साइड के ऊपर 168.76 है। 18800 के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमको बहुत ही नैरो रेंज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम ओआई चेंज को भी देखते हैं, अभी लगता है बाज़ार साइडवेज रहेगा, ऐसा मुझको लग रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर भी बहुत ही नैरो रेंज ही नज़र आ रही है, और यहाँ पर कॉल साइड के ऊपर भी हम ओआई चेंज की परसेंटेज को देखते हैं, तो अगर हम कॉल साइड के ऊपर देखें तो कुछ खास जंप नहीं है। पुट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर जैसे कि 18850 की बात करें तो यहाँ पर 439%, 18900 की बात करें तो यहाँ पर 236%। काफ़ी पुट साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 18950 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 200% से ज़्यादा ओआई जंप है। तो पुट साइड के ऊपर ओआई चेंज काफ़ी ज़्यादा है। वापस आऊँगा मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर। अभी एक बाज़ार के अंदर नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, प्लान क्या है, लोग पूछते हैं प्लान क्या है।
मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से निकल कर के आई है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग आकर के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं प्लान क्या है, आज का प्लान क्या है। मेरा तो कोई प्लान ही नहीं होता, प्लान क्या है, आज का प्लान क्या है। अरे जब बाज़ार के बारे में कुछ पता ही नहीं तो प्लान क्या होगा। देख मैं कोई बात बोलता हूँ तो मैं तो लेवल्स के बेसिस के ऊपर ही बोलता हूँ। यहाँ पर 18850 के नीचे मुझे निफ्टी दिखाई दे रहा था, उसके बेसिस के ऊपर ही मैंने पी साइड की बात करी। ये 18800 से पहले की बात है, तो मैंने आपको पी साइड की बात करी। यहाँ पर 43819 की बात करें, ये लेवल टूट चुका है, इसके बेसिस के ऊपर मैंने पी साइड की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने जो पी के ट्रेड लिए वो पी के ट्रेड सबके लिए प्रॉफिटेबल ही रहे होंगे। देख जिसने भी सही स्ट्राइक पकड़ी होगी, स्ट्राइक सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप फार ओटीएम को अगर प्ले करेंगे तो उसमें पैसे नहीं बनेंगे, आप दूर की ओटीएम पकड़ करके बैठ जाएंगे तो उसमें पैसे नहीं बनेंगे। आप ऐसी स्ट्राइक को पकड़िए जो कि या तो ऐट द मनी हो या स्लाइट इन द मनी हो, तो तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे उसमें। तो मैं अपनी बात को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बेसिस के ऊपर आप का जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसको आप मिला करके देख सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। चलिए भाई मल्टी वाई चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्डर के माध्यम से, धन ऑप्शन ट्रेडर के माध्यम से मल्टी वाई चार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर 18800 को ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पर 18800 और 22nd ऑफ जून, यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक वाई चार्ट आप लोगों के सामने। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 18800 की पी की लाइन है, और यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दिस लाइन, ये 18800 की सी की लाइन दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से कॉल साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अभी तो 18800 के ऊपर स्ट्रगल है, लेकिन शायद ये लेवल हमको टूटता हुआ दिखाई दे, इस बात की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये 18800 के ऊपर मैंने सिचुएशन को प्रेजेंट किया आपके सामने। थोड़ा सा नीचे आ जाए हम 18750 की बात करें। यहाँ पर ये जो 18750 की बात है कि निचले स्तरों के ऊपर क्या सिचुएशन है, तो ये लाइन भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये 18750 की कॉल के ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, और ये 18750 की, रुक जाइए मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये पुट के ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये पुट के ओपन इंटरेस्ट की लाइन है। और नीचे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये कॉल के ओपन इंटरेस्ट की लाइन है। तो अभी 18750 एक सपोर्ट के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर कॉल साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और पुट साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट गिरता है तो 18750 भी हमको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये निफ्टी के ऊपर चार्ट की सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी है, ये मल्टी वाई चार्ट आप लोगों के सामने। धन ऑप्शन ट्रेडर के माध्यम से आप मल्टी वाई चार्ट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और स्ट्राइक पर भी सिचुएशन को आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ओपन इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके लगातार आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन बन रही है। अभी मैं यहाँ पर वापस अपने चार्ट के ऊपर लौटूंगा और लेवल्स को देखना चाहूँगा। देखिए मार्केट जब गिरती है तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया। अब वो शॉर्ट अगर एग्ज़िट होंगे तो कैसे एग्ज़िट होंगे? जब ये शॉर्ट एग्ज़िट होंगे तो ये बाज़ार को ऊपर ले करके जाएंगे, राइट? कैसे करेंगे? ये बाई करके एग्ज़िट करेंगे। तो जब शॉर्ट कटते हैं तो प्राइस के अंदर तेज़ी आ सकती है, तो इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ कोई पोजीशन बनाने में। चलिए हाई टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं सिचुएशन क्या है। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सिचुएशन आप लोगों के सामने, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर
बैंक निफ्टी का ये जो जोन है बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है, बहुत पुराना। कल मैं चेक कर रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है। तो ऊपर की तरफ दिक्कत तो है, जब फिर से वापस मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा रहा हूँ, ये पूरी जो रेंज है, ये पूरी रेंज ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पर है। काफ़ी तगड़ा करेक्शन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है, काफ़ी बड़ी रेंज है, 44,040 से 43,857, लगभग 200 पॉइंट की रेंज है। निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तगड़ा सप्लाई जोन है जो कि एग्जिस्ट करता है। निफ्टी के अंदर ये जो सप्लाई जोन है 18,881 से 18,833, 881 से 18,833, ये अपने आप में एक तगड़ा सप्लाई जोन है। वापस मैं अपने चार्ट के ऊपर लौटूंगा और लेवल्स को मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा। मॉर्निंग में हमने एक सप्लाई जोन की बात करी थी 43,900 से 43,965। तो ये अच्छी तेज़ी है, मुझे ऐसा लगता है 43,819 के ऊपर जो लोग कॉल साइड के ऊपर पोजीशन बनाना चाहें, कॉल साइड के ऊपर पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटी बन रही है 43,819 के ऊपर। विद प्रॉपर SL आप अगर पोजीशन इनिशिएट करना चाहें 43,819 का लेवल, इस लेवल के बारे में सुबह से आप लोगों के साथ बातचीत होती रही है। CV सिंह मौर्या जी, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं लगभग आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ, जहाँ पर जवाब देने की ज़रूरत होती है मैं जवाब देता भी हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी में 43,819 के ऊपर कॉल साइड के ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने यहाँ पर कॉल साइड के ऊपर पोजीशन बनाने की राय दी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अमन गुप्ता को मैं आंसर दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर सी साइड के ट्रेड बनाने की बात हुई एट 12:45, उस समय वो सही कैंडल थी पोजीशन बनाने के लिए। और मैं सबको यही राय देना चाहूँगा कि बहुत बड़े पॉइंट्स को प्ले करने के बजाय पहले छोटे पॉइंट्स को आप सेव करिए। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि बड़े पॉइंट्स के लालच के बजाय पहले आप छोटे पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करिए। जिन लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर सी साइड के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड बनाया है, पहले प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, 3, 4, 5 जो पॉइंट भी हैं, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को आप प्रोटेक्ट करिए। दिनेश जी सुपर चैट के माध्यम से योगदान देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और सम्मान। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा है, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इस वजह से आपको या तो ट्रेल कराना चाहिए। देखिए 18,850 के बजाय मैं 18,775 को प्ले करना चाहूँगा। निफ्टी के अंदर मैं वेट करना चाहूँगा, निफ्टी के अंदर मैं 18,875 के ऊपर की क्लोजिंग और हाई के ब्रेकआउट को प्ले करना चाहूँगा। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, निफ्टी के अंदर 18,875 के ऊपर क्लोजिंग और हाई का ब्रेकआउट, उसको मैं प्ले करना चाहूँगा। निफ्टी के अंदर अभी मैंने कोई भी राय आपको नहीं दी है, बैंक निफ्टी के अंदर ज़रूर 43,819 के ऊपर की बात करी थी। सही में आज सही याद दिलाया, आज शर्मा जी के यहाँ जाता हूँ मैं, ये स्ट्रीम बंद करके 4 बजे मैं शर्मा जी की दुकान पहुँचता हूँ, चाय बन मक्खन बस। सही, आज 4:30 बजे वहीं पहुँचूँगा मैं। अब की निकला, अब की बैंक निफ्टी निकाल देगा, अब की लग रहा है, अब की बैंक निफ्टी निकाल देगा, अब की निफ्टी भी निकालेगा, बैंक निफ्टी भी निकालेगा, अब की लो भैया, ये तैयारी दिखाई दे रही मुझको, ये पूरी तैयारी है भैया, पूरी तैयारी हो गई। अब बहुत तगड़ा स्ट्रगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखो ज़रा कितना तगड़ा स्ट्रगल यहाँ पर है, जस्ट लुक एट इट, 43,900 के आसपास। अभी भाई एंट्री लेना थोड़ी सी जल्दी है, मुझे ऐसा लगता है कि रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी देखो कितना ऊपर चला गया था बैंक निफ्टी, 4,943,931 तक चला गया था। रेजिस्टेंस क्लियर हुआ तो फिर
बहुत बड़ा मूव आ सकता है ऐसा मुझको लगता है। देखो आज आज एक फिर बढ़िया फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको ये एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। ये देखो यहाँ पर 18,800 की कॉल में देखो क्या हुआ है। ये देखो 18,800 की कॉल में देखो जादू देखो, ये देखो, ये देखो 18,800 की कॉल में जल्दी से जादू देखो, देखो जल्दी से क्या हुआ 18,800 की कॉल में। ये देखो 20 EMA ऑफ Y, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है ये। अगर ये ओपन इंटरेस्ट से यहाँ पर नीचे आया, ये यहाँ पर नीचे आया, इसी के आसपास अगर ट्रेड पकड़ लेते तो भी आपको अच्छी रैली आपको मिल जाती। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर OI डाउन हुआ है और प्राइस ऊपर गया है, एक क्लियर कट यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। यानी कि जिन लोगों ने 18,800 के ऊपर कॉलें बेच रखी थी उन्हीं ने अपने ओपन इंटरेस्ट को रिड्यूस किया है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू समझिए, इसकी वैल्यू समझिए, ये जो फीचर है इसको आपको यूज़ करना चाहिए। कहीं पर भी यूज़ करो, जहाँ पर आपको मिले वहाँ पर यूज़ करो। मुझे धन के बारे में पता है तो मैं धन के बारे में बताता हूँ, बाकी जहाँ पर सही लगे वहाँ पर यूज़ करो। देखो मैंने कोई कॉल का ट्रेड, देखो मैंने इसमें मैंने कोई भी कॉल का ट्रेड नहीं दिलवाया। थोड़ी तारीफ़ करो मेरी भी, मैंने इसमें कॉल का कोई ट्रेड नहीं दिलवाया। इसके अंदर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कॉल साइड, मैंने अभी फ़िलहाल अभी तक तो कॉल का ट्रेड नहीं दिया। हालांकि देखो मैंने आज लगभग 2 ट्रेड लिए और दोनों ही 43,819 के आसपास लिए, तो आज लगभग 2 ट्रेड मैंने आपको बताए। अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मैं लेने की इच्छा नहीं रखता हूँ क्योंकि बाज़ार वैसा है नहीं, मार्केट इज़ नॉट ट्रेंडिंग। देखिए नेहा शर्मा, मैंने आपको क्या बात बोली थी नेहा, मैंने आपको क्या बात बोली थी, अपना SL आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लो, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, मैंने आपको ये बात बोली थी। आज बहुत लोग फंसे होंगे, अब आपने अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट नहीं किया, अब आपने प्रॉफिट लूज कर दिया, तो अब क्या किया जा सकता है उसके अंदर। लोगों को लगता है, लोगों को ऑप्शंस के अंदर एक बात समझनी चाहिए, ऑप्शंस के अंदर एक बात समझनी चाहिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही हैं, ये ऑप्शंस के अंदर आपको ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, ये मोमबत्ती नहीं है, ये पानी के बुलबुले हैं, ये पानी के बुलबुले हैं, पता नहीं चलता कब हवा निकल जाएगी इनकी। देखो अब ट्रेड की कंडीशन बन रही है, देखो अब ट्रेड की कंडीशन अपनी बन चुकी है, ये अपनी ट्रेड की कंडीशन बन चुकी है, ये अपनी ट्रेड की कंडीशन 43,819 के बेसिस के ऊपर। बहुत ही संभल करके छोटे पॉइंट्स के लिए 43,819 के नीचे अगर आपको, अगर नहीं लिया तो ना ही लो, अगर रुक गए तो रुक ही जाओ। 43,785 से लेकर के 43,750 ये अपने आप में एक सपोर्ट का जोन है, ये अपने आप में ये ब्लू जोन है। तो अभी फ़िलहाल अब आज तो रहने ही दो। देखो जिसने आज 2 पॉइंट भी बनाए, जिसने आज 2 पॉइंट भी बनाए, मैं उसको दूंगा 5 स्टार, ये 3 और ये 2, ये 5 स्टार उसको, जिसने 2 पॉइंट से ज़्यादा बनाए, जिसने अपना खर्चा निकाल लिया है। निफ्टी में तो 2 पॉइंट पे खर्चा निकल जाता है, बैंक निफ्टी में नहीं निकल पाता है, तो बैंक निफ्टी में 3 पॉइंट, उसको मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। और नीचे ये मेरी साइन है, ये नीचे मैंने ये मैंने साइन भी कर दी अपनी। पराग जी बताइए क्या नोट करना है, मैं नोट कर रहा हूँ, बताइए क्या नोट करना है। 2:52 हो रहे हैं, आज 21 जून है, क्या कह रहे हैं आप बताइए, आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे हम। आप कह रहे हैं कल पक्का ऊपर जाएगा, यही बोला है आपने, कल पक्का ऊपर जाएगा। चलिए ये नोट कर लिया मैंने, अभी मुझको आप आज्ञा दिए, कल एक बार फिर से आपके साथ लाइव स्ट्रीम में मैं मिलूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज का दिन भी ठीक ही गया है, कल का दिन और ज़्यादा बढ़िया जाए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दिए, मैं अपनी स्ट्रीम को यहीं पे ही वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।